हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, आज हम हिंदी और कुछ जीएस के क्वेश्चन पेपर जिसका रिस्पांस शीट आ गया है झारखंड पीजीटी का, उसका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और जानेंगे ताकि आगामी एग्ज़ाम में भी हमें यह काम आए और समझेंगे। पहला प्रश्न है, कांची नदी झारखंड राज्य से होकर बहती है, इनमें से किस जल प्रपात को जल प्रदान करती है? तो मित्रों, इसका जो सही आंसर है वो दशम जल प्रपात है, दशम जल प्रपात। दूसरा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार रांची ज़िले में कितने कस्बे शामिल है? तो मित्रों, 2011 के जनगणना के अनुसार रांची ज़िले में 15 कस्बे शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2023 में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति पर एक पुस्तक का विमोचन किया था? तो मित्रों, उन्होंने जो इस पुस्तक पर विमोचन किया था, जिस राष्ट्रपति पे, उनका नाम था APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की संथाली जनजाति के सदस्य संथाल के घर को क्या कहा जाता है? तो मित्रों, संथाल के घर को जो कहा जाता है वो ओला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओला कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षित है वह 33%। किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो मित्रों, उसके लिए जो किया था वो था नेपाल। झारखंड में डैश वह स्थान था जहां भारतीय गणराज्य की स्थापना के दौरान एक बड़े उर्वरक कारखाने फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की कल्पना की गई थी। तो मित्री वो था सिंदरी। झारखंड राज्य की राजधानी होने के अलावा रांची डैश की भी राजधानी है। तो मित्रों, यह दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल की भी राजधानी है। ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ किस पठार में स्थित है? तो मित्रों, ये जो स्थित है ये हजारीबाग में स्थित है, हजारीबाग पठार में। झारखंड के हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मित्रों, इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वह सन 1992 ईस्वी में हुई थी। लोत्रो सो माधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मित्रों, इस पुस्तक के जो लेखक है प्यारा केरकेट्टा। झारखंड ने अगस्त 2023 में एक विधेयक पारित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतियोगी परीक्षाएं नकल की घटना के बिना आयोजित की जाए और उल्लंघन करने पर पहली बार के लिए 10 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो मित्रों, ये जो था 3 वर्ष और 5 लाख रुपए तक के जुर्माना हो सकता है। ये झारखंड के पिछड़े जिलों में से डैश आदिवासी बहुल राज्य का पहला जिला बन गया जहां विशेष रूप से महिलाओं के लिए राज्य की स्वामित्व वाली पुस्तकालय है। तो यह गुमला। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM ने जनवरी 2023 में किस राज्य में
आकाश अवलोकन कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो मित्रों इसके लिए किया था नई दिल्ली। दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ने वाले कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क क्या कहलाता है? तो मित्रों इसका जो नेटवर्क कहलाता है वो द इंटरनेट। झारखंड के रांची में स्थित जोन्हा जलप्रपात को डैश के नाम से गौतम धारा भी कहा जाता है। तो मित्रों इसको कहा जाता है बौद्ध स्थल। बौद्ध स्थल। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी हार्डवेयर का उदाहरण है? तो बाहरी हार्डवेयर का जो उदाहरण है वही विकल्पों में से सभी है। प्रिंटर भी है, माउस भी है, यूएसबी है, ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1000 गीगाबाइट लगभग 1 डैश के बराबर होती है। तो मित्रों 1 टेराबाइट के बराबर होती है। स्पाइकिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल क्रीड़ा से संबंधित है? तो ये जो खेल है ये वॉलीबॉल से संबंधित है मित्रों। कंपाइलर और इंटरप्रेटर डैश के एक प्रकार होते हैं। तो मित्रों ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर के एक प्रकार होते हैं। किस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए डैश का उपयोग किया जा सकता है? तो इसके लिए किया जाता है CTRL+C का। गजगामिनी फिल्म किस कलाकार ने बनाई थी? तो मित्रों ये जो बनाई थी MF हुसैन ने बनाई थी। किस नृत्य शैली में मार्शल आर्ट युद्ध कला के कुछ अन्य नृत्य चरणों के साथ मिश्रित किया जाता है? तो मित्रों ये जो मिश्रित किया जाता है ये पाइका के दम से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा 1914 में शुरू हुआ था? तो ताना भगत सिंह आंदोलन जो है मित्रों ये 1914 में शुरू हुआ था। भारतीय राज्य में झारखंड लौह अयस्क हिमेटाइट के भंडार में डैश स्थान पर है या कितने स्थान पर है? तो मित्रों ये जो है दूसरे स्थान पर है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान एड्रेस IP से की जाती है। जुलाई 1771 ईस्वी में डैश को पलामू का शासक घोषित किया गया। तो मित्रों गोपाल राय को किया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो मूल रूप से मित्रों यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य जो होता है सदस्यों को शपथ दिलाने और नियमित अध्ययन चुने जाने तथा तक कार्यभार संभालना ये उनका होता है। डैश को डेटाबेस में आंतरिक स्कीमा के निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग किए की जाने वाली लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया गया है। किसे? तो इसे स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज के माध्यम से। प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान वर्ष डैश में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था मित्रों 1946 ईस्वी में। झारखंड के कुल भूभाग क्षेत्रफल के लगभग कितना प्रतिशत भाग वनों से बना है? तो मित्रों 29% भाग जो है वह वनों से बना है। भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व लाने का पहला प्रयास डैश के माध्यम से किया गया था? तो ये जो किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से किस अवधि के योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है? तो मित्रों 1966 तथा 1969 के रूप में जाना जाता है। गुजर मल मोदी
नवप्रवर्तनकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2013 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विनोद प्रकाश शर्मा को किया गया है। निम्न में से किस दक्षिण भारतीय भाषा को सिंगापुर का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है? तो मित्रों, तमिल भाषा का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। झारखंड सरकार ने किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर झारखंड जनजाति महोत्सव 2022 के उद्घाटन का आयोजन किया था? तो मित्रों, ये जो किया था विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन है? तो झारखंड का राजकीय पक्षी जो है वह मित्रों कोयल है। क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इनका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक डैश सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 2021 में छुटनी महतो को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो मित्रों, ये सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया था। टोपोलॉजी से सभी उपकरणों के दोनों सिरों पर टर्मिनेटर के साथ जोड़ने के लिए एक सामान्य बैकबोन का उपयोग करती है, वह क्या है? तो ये करती है बस। भारत के कृषि में स्वर्णिम क्रांति किसको संदर्भित करती है? तो संदर्भित करती है बागवानी और शहद, इसको संदर्भित करती है। संसद के किस अधिनियम द्वारा झारखंड राज्य की राज्य अस्तित्व में आया? तो ये जो आया बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी। किस बेलन सिलेंडर की ऊंचाई उसके आधार की परिधि के बराबर यदि कोई ऊंचाई सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कीजिए? तो मित्रों, इसका होगा 144 सेंटीमीटर। जब एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू को एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री से विभाजित किया जाता है तो शेषफल x माइनस छः आता है, तो p और q ज्ञात कीजिए। तो मित्र, इसका आंसर हो जाएगा सही c। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने अनंत कोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। व्यंजक 2x स्क्वायर y माइनस 5xy प्लस 3 में कितने अज्ञात पाए जाते हैं? तो इसमें दो अज्ञात पाए जाते हैं। बिंदु का वह निर्देशांक जो क्रमशः बिंदुओं माइनस 5 और 7 माइनस 3 को जोड़ने वाली रेखा खंड को आंतरित रूप में 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है डैश द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये 4-1 के द्वारा सूचित किया जाता है। हल करें। tan थीटा 45 डिग्री, cosec थीटा 30 डिग्री प्लस sec थीटा 60 डिग्री, cot थीटा 45 डिग्री माइनस 2 sin 90 डिग्री अपॉन cos थीटा। तो इसका हो जाएगा 1/2। किसी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 460 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई में 15% अधिक है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका हो जाएगा 20 मीटर। यदि x बराबर a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और y बराबर a कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए।
तो इसका आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और विकर्ण 20 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर होगा 192 सेंटीमीटर। निम्नलिखित श्रेणी में से अनुपस्थित संख्या को ज्ञात कीजिए। मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 36। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में ROP रूप को 6821 करके कोडित किया जाता है और CHAI चेयर को 7345666 करके कोडित किया जाता है तो उसी कूट भाषा में CRAPE के लिए कोड क्या होगा? मित्रों होगा ये इस प्रश्न से। इस प्रश्न में तीन कथन के बाद चार निष्कर्ष दिए गए हैं। उन निष्कर्षों को चुने जो तार्किक रूप से सार्वधिक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन, सभी पत्ते स्याही हैं, कोई भी स्याही ब्रश नहीं है, सभी केक ब्रश हैं। निष्कर्ष, कुछ केक पत्ते हैं, कुछ स्याही केक है, कुछ स्याही पत्ते हैं, कुछ केक ब्रश है। इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 3 और 4 अनुसरण करते हैं। CTET, CTE, FRG और IPJ इसके आगे क्या होगा? मित्रों इसके आगे होगा LNN। ये सब क्या है? ये सब चीज देखना पड़ता है। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। मित्रों इसका आंसर हो जाएगा कोरिया। लड़कों की किसी पंक्ति में P बाई ओर से 14वें स्थान पर और Q दाई छोर से 17वें स्थान पर है। यदि RP से दाई छोर की ओर 9वें और Q से दाई छोर की ओर 4थे स्थान पर है तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 35। निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सबसे अच्छा पूरा करता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ये ई और एफ के पिता हैं, एक्स के की माँ हैं, एन ई का पुत्र है और एन के का इकलौता भाई है, एक्स पी की बहू है, पी की केवल एक पुत्री है और एक पुत्र है, क्यू और के से किस प्रकार संबंधित हैं? तो मित्रों इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दादाजी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंधों को सबसे अच्छा पूरा करता है? मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ए। रोहित 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर से वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर से वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में वह अवस्थित है? तो मित्रों ये जो अवस्थित है ये 35 मीटर पूर्व की ओर अवस्थित है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच की अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है और यह डैश का एक उदाहरण है। मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा संयोजन और उष्माक्षेपी अभिक्रिया दोनों। जब द्रव्यमान को आधा कर दिया जाता है और वेग को दोगुना कर दिया जाता है तो वस्तु की गति ऊर्जा क्या होती है? तो मित्रों वस्तु की गति ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। इनमें से कौन वायु से भरी हुई संरचनात्मक कैविटी है? तो मित्रों इसका है साइनस। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन सी का स्रोत नहीं है? दूध। घाव से स्रावित होने वाले सफेद द्रव को क्या कहा जाता है? मित्रों इसे मवाद कहा जाता है। जब दो प्रतिरोधकों को पहले श्रेणी क्रम में और फिर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः 15 ओम और 3.7 ओम होता है। उनके प्रतिरोध का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। मित्रों इसका आंसर हो जाएगा
8 ओम और 7 ओम। निम्नलिखित में से कौन सा दांतों का बाहरी आवरण है? मित्रों इनेमल। यदि किसी कार की आरंभिक गति 5 मीटर पर सेकंड है और 5 सेकंड में अंतिम गति 10 मीटर पर सेकंड है तो इसका त्वरण कितना होगा? मित्रों इसका त्वरण 1 एमएस पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? मित्रों फिनोल नहीं है। मेंडेलीफ और आवर्तन सारणी में बाद में खोजे जाने वाले किन तत्वों को पूर्वानुमान में अंतराल छोड़ दिया गया था? मित्रों जर्मेनियम। संधि विच्छेद के सही शब्द पहचानिए। लघु जोड़ उत्तर क्या होगा? लघुतर। निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से एक उचित विकल्प को चुनिए। पार्थी। पार्थी का मतलब होता है स्वार्थी। वचन बदलिए। कविता। इसका सही आंसर होगा कविता का कविताएं। दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्प में से उचित एक शब्द को चुनिए। गज के समान आनंद मुख वाला क्या होगा? द्रुग गजानन। निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से एक उचित विकल्प को चुनिए। विघन विघ्न। विघ्न का क्या होगा? बाधा। लिंग बदलिए। पत्र। पत्र का क्या होगा? पत्रिका। निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए। दुइज ब्राह्मण। दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में से सही अर्थ को चुनिए। पर्दा डालना। पर्दा डालना का होगा भेद छिपाना। निम्न शब्दों के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्पों को चुनिए। उपाय। उपाय का होगा निरुपाय। दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से एक उचित शब्दों को चुनिए। जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति न हो वह क्या कहलाएगा? अनुर्वरा। वचन बदलिए। बुढ़िया बुढ़िया। निम्न शब्द पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए। अवंती। अवंती का हो जाएगा पतन। निम्नलिखित समासिक पद का विग्रह लिखिए। शीतोष्ण शीत और उष्ण। दिए गए मुहावरों के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुनिए। दाल में कुछ कला है। संदेह या शक होना। निम्न शब्दों के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए। पुरुष। कोमल। लिंग बदलिए। लुहार लुहारीन। निम्नलिखित सामासिक पद का विग्रह लिखिए। दाल रोटी। दाल और रोटी। संधि विच्छेद कीजिए। षण्मुख सट जोड़ मुख। मित्र या पैसेज है। निम्न अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर विकल्पों से चुनकर दीजिए। विद्यार्थी जीवन किसी भी व्यक्ति के नींव भरण काल होता है। इस काल में विद्यार्थी अपने जीवन जीने के मूल गुण सीखता है। इस समय उस पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। विद्यार्थी को विद्यालय में नित्य नई बातों से नए विषयों से और नए व्यक्तियों से समय परिचय होता है। उसी क्षण उसका संपर्क कुछ अध्यापकों से भी होता है जो उसके जीवन में एक आदर्श की तरह उभरते हैं।
विद्यार्थी जहाँ विद्यालय के वातावरण में एक नियमित दिनचर्या का व काम की बातें सीखता है, वहीं विद्यालय के विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम से उसे ज्ञान में वृद्धि होती है। विद्यार्थी विद्यालय में एक अनुशासित व्यवस्था में और सुनियोजित दिनचर्या में रहना सीख लेता है। चूँकि विद्यार्थी का जीवन एक साधक की जीवन होता है, जहाँ उसे कौए की तरह चेष्टाशील, बगुले की तरह ध्यानशील और कुत्ते की तरह हल्की नींद सोना सीखना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति का भविष्य उसके सफल विद्यार्थी जीवन पर निर्भर होता है। विद्यार्थी सभी सद्गुणों को विद्यार्थी जीवन में ही सीखता है, और जो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन से विमुख हो जाता है, वह जीवन भर सुखी नहीं रह पाता है। जिस प्रकार किसी भी इमारत की दृढ़ता उसकी नींव पर निर्भर करती है, उसी प्रकार जीवन की सफलता विद्यार्थी जीवन पर ही निर्भर है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य बनता है कि वह अपने विद्यार्थी जीवन को एक तपस्वी की तरह बिताए, सभी सद्गुणों का अर्जन करे। विद्यार्थियों का अब इसका प्रश्न, विद्यार्थियों का जीवन कैसा होता है? अनुशासित, तपस्वी, साधक, विकल्पों में सभी। तो मित्रों, विद्यार्थियों का जीवन जो होता है वह इस विकल्पों में सभी, अनुशासित भी होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, साधक भी होना चाहिए। अब अगला है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर विकल्पों से चुनकर दीजिए। विद्यार्थी जीवन में किसी भी व्यक्ति के नींव भाड़ कहलाता है, ये तो पढ़, इसका आंसर हो जाएगा ए, विकल्पों में सभी। इसका आंसर हो जाएगा बी, निरंतर प्रयास करते रहना। इसका आंसर हो जाएगा ए, विद्यार्थी जीवन। पक्की नींव डालना। विद्यार्थी का जीवन का महत्व। धन्यवाद मित्रों।